आज जिनकी हम बात कर रहे हैं उनमें से एक के लिए अपनी माँ सब कुछ है तो दूसरे के लिए अपने पिताजी भगवान है। इन दोनों ने अपनी जर्नी में वो सब कुछ देखा है जो एक सुपरस्टार को कभी नहीं देखना चाहिए। इन्होंने अपने अपने हिस्से का दुख देखा है तो वही इंडस्ट्री ने इनको वक्त वक्त पर मिसअंडरस्टूड भी किया है। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में से अगर वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स का नाम देखा जाए तो इन दोनों का नाम उस लिस्ट में टॉप पर आता है। हम बात कर रहे हैं गोविंदा और संजय दत्त की। एक वक्त हुआ करता था जब ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनुराजा और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल। क्यों इन दोनों के बीच की दोस्ती में दरार आ गई और बात पहुंच गई अंडरवर्ल्ड तक, हम दोनों की बात करेंगे। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं संजय दत्त से, क्योंकि उनका करियर गोविंदा से पहले शुरू हो चुका था। फिल्म रॉकी से संजय दत्त ने अपने करियर की शुरुआत की थी। ऐसे में वो गोविंदा से 5 साल सीनियर थे। पहली ही फिल्म से संजय दत्त स्टार बन चुके थे। पापा ने उनको लॉन्च किया था, लेकिन ये फिल्म अच्छी थी इसके लिए ब्लॉकबस्टर साबित हो गई। अब रॉकी के बाद संजय दत्त को फिल्मों के ऑफर आने लगे, मेरा मतलब अच्छी फिल्में। लेकिन संजय दत्त लड़कियों के चक्कर में और ड्रग्स के चक्कर में खुद को बर्बाद करने के रास्ते पर चल पड़े थे और इस वजह से उनको अपना चलता करियर छोड़कर यूएस जाना पड़ा रिहैब में। अब संजय दत्त अमेरिका से वापिस आते हैं, तब तक बॉलीवुड का माहौल पूरी तरह से चेंज हो चुका था। गोविंदा लॉन्च हो चुका था, बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका था। एक ही टाइम पे 50-50 फिल्में साइन करके 10 फिल्मों पे एक साथ शूटिंग कर रहा था। तब संजय दत्त ने गोविंदा के साथ एक फिल्म साइन की, वो फिल्म थी 2 कैदी। अब इस फिल्म की शूटिंग के दौरान गोविंदा फिल्म के सेट पर लेट पहुंचते थे, कभी कभी इतने लेट कि वो 6 घंटा देरी से आते, तो किसी दिन वो शूटिंग ही कैंसिल कर देते और वो भी एन मोमेंट पर। ऐसे में ये फिल्म लेट हो जाती है और वजह बनते हैं गोविंदा। बावजूद इसके इन दोनों में तब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बल्कि ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे, क्योंकि संजय दत्त फिर से अपने आप को साबित करने में जुटे थे। ऐसे में संजय दत्त उस वक्त अपने करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते थे। यही कारण था कि इनकी और एक फिल्म साथ में आई और उस फिल्म का नाम था ताकतवर। ये फिल्म डेविड धवन की डेब्यू फिल्म थी। इसके बाद इन दोनों की एक और फिल्म साथ में आई, वो तीसरी फिल्म थी आंदोलन। अब ये फिल्म गोविंदा ने 92 में साइन की थी, लेकिन रिलीज हुई 1995 में। वजह बने गोविंदा। तब संजय दत्त अपनी जिंदगी में बुरे वक्त से गुजर रहे थे। संजय दत्त को उस वक्त जेल जाना पड़ा था। उसके बाद 1999 में संजय दत्त और गोविंदा ने डेविड धवन के साथ और एक फिल्म साइन की, वो फिल्म थी हसीना मान जाएगी। और ये फिल्म भी गोविंदा के आखिरी करियर पीरियड की सबसे अच्छी फिल्मों में से एक फिल्म थी। अगर उस पर्टिकुलर पीरियड की बात करें तो ये दोनों ही उस वक्त बुरे हालात से गुजर रहे थे। करियर को लेकर सिचुएशन ऐसी हो गई थी दोनों के लिए कि काम करना दोनों की इच्छा नहीं थी बल्कि मजबूरी थी। ये दोनों ही डेविड धवन के बहुत ही ज्यादा फेवरेट थे, इसीलिए इन दोनों की 2001 में और एक फिल्म आई और वो फिल्म थी जोड़ी नंबर 1। अब डेविड धवन यहाँ नहीं रुके, उन्होंने तुरंत और एक फिल्म प्लान की इन दोनों के साथ, 1 और 11, फिर से संजय दत्त और गोविंदा। अब ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। इनफैक्ट गोविंदा संजय दत्त के लिए मीडिया में ये तक कहते थे कि संजय दत्त दिल के बहुत अच्छे हैं, बस लोग उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। अब दोनों ने अपने अपने करियर की हाइट्स देख ली थी, अपनी अपनी जिंदगी का दुख देख लिया था और अब ये दोनों अपने करियर का लो फेज देख रहे थे। अब यही मुश्किल वक्त होता है जहां मैच्योरिटी का दायरा नापा जाता है। जब 1 और 11 फिल्म की शूटिंग हो रही थी, गोविंदा की अपनी आदत थी कि कई बार वो डायरेक्शन में घुसकर अपने इनपुट्स देते थे। 1 और 11 के टाइम पे गोविंदा को एक सीन को लेके कुछ आपत्ति थी। अब शूटिंग रुकवा कर डेविड धवन से उन्होंने इस बात पर बात करना शुरू कर दिया, कहा कि ये पर्टिकुलर सीन मुझे इस तरीके से नहीं जम रहा। मगर डायरेक्टर डेविड धवन अपनी बात पर अड़े रहे, कहा कि गोविंदा मुझे ये सीन इसी तरीके से चाहिए। दोनों में अनबन होते संजय दत्त ने दूर से देखा तो वो बीच में आ गए और संजय दत्त को भी डेविड धवन की वो बात सही लगी। ऐसे में संजय दत्त ने डेविड धवन की साइड ली। अब ये बात गोविंदा को संजय दत्त की चुभ गई।
उस दिन के बाद उन्होंने संजय दत्त से बात करना कम कर दिया। उस दिन के बाद जब भी वो सेट पर दोनों साथ में होते तो संजय दत्त इस कोने में बैठते, गोविंदा इस कोने में बैठते, दोनों आपस में बात नहीं कर रहे थे। जब भी सीन होता तो साथ में शूट कर देते थे। अब पहले से ही दोनों के रिश्ते में आग लगी थी। उसमें घी का काम किया संजय दत्त के एक टेप रिकॉर्ड ने, क्योंकि वो पीरियड था जब संजय दत्त की वो टेप रिकॉर्ड लीक करवाई गई थी, मेरा मतलब लीक हो गई थी, जिसमें वो अंडरवर्ल्ड के डॉन छोटा शकील से बात कर रहे होते हैं। अब उस टेप रिकॉर्ड में उन्होंने गोविंदा को ना सिर्फ गालियां दी बल्कि ये भी कहा कि वो 9 बजे के बजाय 6 बजे फिल्म के सेट पर आते हैं, भाई उसको समझा दो। अब कहा तो ये भी जाता है कि उस टेप रिकॉर्डिंग के बाद छोटा शकील ने गोविंदा को फोन भी किया था और टाइम पर शूटिंग पे हाजिर होने के लिए भी कहा था। अब ये वो दिन था कि गोविंदा ने संजय दत्त को अपने दिल से ही निकाल दिया था, उनसे अपना हर वो रिश्ता तोड़ लिया था। इनफैक्ट मीडिया में एक बार गोविंदा को पूछा भी गया था कि संजय दत्त की उस टेप रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आपका क्या रिएक्शन है। तब गोविंदा ने कहा कि ऐसा मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं हैरान हूँ, क्योंकि जो इंसान मुझसे इतना प्यार करता था, जो मेरी इतनी बढ़ाई करता था, वो मेरे लिए इस तरीके की बात कैसे कर सकता है। अब उसके लिए मेरा दिल खट्टा हो गया है। अब जब ये पहले अच्छे दोस्त थे और ये फिल्म जब वो साथ में कर रहे थे तो उन्होंने एक ड्रीम प्रोजेक्ट साथ में प्लान किया था, जिसके गोविंदा प्रोड्यूसर बनने वाले थे और संजय दत्त उस फिल्म में लीड हीरो थे। उस फिल्म का नाम था शादी बनाएगा। ये गोविंदा के बैनर की फिल्म थी, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद संजय दत्त ने काम करने से इनकार कर दिया था। अब ये जो फिल्म थी एक और एक 11, ये गोविंदा और संजय दत्त की आखिरी फिल्म साबित हुई। उनके म्यूचुअल फ्रेंड डेविड धवन भी उनको बाद में साथ में नहीं ला पाए और इस फिल्म के बाद ये कभी साथ में नहीं नजर आए। तो ये था संजय दत्त और गोविंदा के आपसी रिश्ता खराब होने का किस्सा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और भी सच्ची बायोग्राफीज को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।